अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि वो कौन सी टीम है जिसके साथ आप जो है वो क्रिकेट में इंटरेस्टिंग मतलब महसूस करते थे, आपको खेलना अच्छा लगता था? इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के साथ। उनको तंग भी करता रहता था, बोलता भी रहता था, बातें भी करता था, उनको समझ नहीं आती थी कि क्या कर रहे भाई। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं जब भी जाता था शादियों में, अक्सर हर दफा ही मैच होते थे कहीं भी, तो ये एक मेरी अपनी कॉन्सेंट्रेशन थी भाई। आई यूज टू मतलब उन्हें चुप चुप ने मतलब एक अपना हिसाब किताब जो चलता था, तो अक्सर आई यूज टू टॉक बॉलर से भी, हर एक से पंगे भी लेना, सब कुछ लेना, मगर इसी तरीके से क्रिकेट खेली। तो इंडिया से ये होता था कि वो हमारी लैंग्वेज भी समझते थे, वो तो बिल्कुल, और फिर एक दूसरे को बताते भी थे कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने सुना होगा एक दफा अभी गावस्कर ने एक टीवी पे बताया था कि जावेद मेरे बारे में एक वो एक शो आता है उसमें ना, कि दिलीप दोषी एक बॉलर थे, तो मैं खेल रहा था तो वो उससे मैं रूम नंबर पूछता था, पहले तो उन्होंने नहीं बताया, मैंने पहले उससे पूछता था, दोस्त भी होते थे। दोषी को मैं कहता था, मैं क्योंकि उसने ऐसी फील्डिंग ले ली थी जो मुझे रन नहीं मिल रहा है कुछ नहीं, तो मैंने दोषी को पहले मैं कहता था कि लेग साइड पे गेंद करके फील्डर है, तो मैं पैड मारता जा रहा था। कभी मैं ये बॉल उठाता था या खेलता, मैं उसको कहता था देख दोषी अगर तेरा फील्डर होता मैं आउट हो गया, ये उसको करते करते कुछ ना बोले। फिर मैं टांग पे, फिर उसको मैंने बोला, मैंने कहा दिलीप बात यह है कि मैंने दुनिया में दो हस्तियां देखी हैं जो टांग पकड़ती, एक कुत्ता पकड़ दे, एक तूने पकड़ी। बॉल उठा के फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं उसके, फिर उसने फील्डिंग ऐसी ली, तो जिसका गावस्कर ने ये बताया था ये नहीं बताया था कि मैं उसके बोलता था कि यार रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है भाई, क्योंकि वो होटल भी था। तो वो गावस्कर थे सब साथ ही होते, वो पूछते थे कि भाई क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो बोले यार रूम नंबर पूछे जाते, कह रहा बता दे कोई बात नहीं भाई। तो मैंने बोला एक दो फील्डर वहाँ भी ले ले, एक फील्डर वहाँ पे भी रख ले, क्या बात है। तो ये उस टाइम ये चीज़ें चलती रहती थी, बातें होती थी हम